नमस्कार, मैं आदित्य सिंह और आप देख रहे हैं newsview360.com खबरें अलग अंदाज में। भारत के प्रसिद्ध लेखक, राइटर, निबंधकार, नाटककार, कवि और पत्रकार का आज जन्मदिन है। बर्थडे 360 में आज चर्चा माखनलाल चतुर्वेदी की। माखनलाल चतुर्वेदी भारत के बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर रहे हैं, इसके साथ साथ लेखक रहे हैं, पत्रकार रहे हैं, प्ले राइटर रहे हैं और छायावाद के बहुत बड़े कवि रहे हैं। छायावाद की अगर आप इतिहास पढ़ेंगे, छायावाद की के इतिहास के बारे में थोड़ा सा झांक के देखेंगे तो उनमें जो मुख्य कवियों का नाम आता है उसमें से माखनलाल चतुर्वेदी का भी जिक्र होता है। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म आज ही के दिन 4 अप्रैल 1989 को होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ था। मध्य प्रदेश का एक जिला है होशंगाबाद। उसके बाद हायर एजुकेशन में जब वो गए तो उन्होंने कांग्रेस में भी रहे, उसके बाद छायावाद में उनका एक बहुत विशेष कंट्रीब्यूशन माना गया। उनके उनको लेकर के मध्य प्रदेश सरकार एक प्रतिबद्धता जाहिर की है 1987 से, माफ कीजिएगा, हाँ 1987 से ही हर साल मध्य प्रदेश की सरकार माखनलाल मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी का पुरस्कार माखनलाल के नाम से दिया जाता है। उन क्षेत्र में यानी कि लिटरेचर के क्षेत्र में जो लोग अच्छा काम करते हैं उनको इस क्षेत्र के लिए माखनलाल सम्मान से नवाजा जाता है। माखनलाल के बारे में मैं आपको बताऊं कि गांधी के बहुत खास थे, गांधीयन अप्रोच के बहुत बड़े फॉलोवर थे, लेकिन इसके अतिरिक्त उस समय, क्योंकि मैं बताऊं कि उस दौर में समाजवाद की स्थापना तो लोहिया के आने के बाद से हुई थी, लेकिन इन्होंने समाजवाद की कल्पना कर दी थी। और गांधी के लेखों में और इनके लेखों में जो इनके लेख मिलते हैं, मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, मैं इनका आर्टिकल नहीं पढ़ा था लेकिन कोई दूसरा आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें ये लिखा गया था कि उस समय ये गांधी से रिक्वेस्ट करते थे कि समाजवाद की परिकल्पना करते कि समाजवाद होना चाहिए और लोकतंत्र को एक मजबूती देगा। एक ऐसा कवि जो समाजवाद की कल्पना करता हो, भारतीय राजनीति में लोकतंत्र को सुनिश्चित करने की बात करता हो, वो पत्रकार भी हो, वो प्ले राइटर भी हो, वो एसिस्ट भी हो यानी कि निबंधकार भी हो, तो वो आम आदमी नहीं हो सकता। उनको लेकर के माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय को की स्थापना भी की गई थी जिसको कांग्रेस ने ही करवाया था और ये मध्य प्रदेश में स्थित है, राज्य सरकार उसको चलाती है। एशिया का सबसे पहला जर्नलिज्म का यूनिवर्सिटी माना जाता है। पूरे देश के बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली महसूस करता हूँ कि मैं माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय का छात्र हूँ और मेरे इस ऑफिस में काम कर रहे हैं मेरे बहुत सारे ज्यादा कॉलीग, बहुत सारे कॉलीग उसी विश्वविद्यालय से संबंध रखते हैं। इनकी रचनाओं पर अगर बात की जाए तो बेनुलु मुझे धरा इनकी पहली रचना थी जो बहुत प्रसिद्ध है। हिमरंगणी ये कठिनतम रचनाओं में से एक मानी जाती है, माखनलाल की नहीं बल्कि छायावाद की कठिनतम रचनाओं में से एक मानी जाती है, क्योंकि लिटरेचर के उस पार हो जाके लिखते थे जहां पर एक तरह हम कह सकते हैं कि चरम पर होता था, जहां पर लिटरेचर, जहां पर साहित्य चरम पे होता था वहां पर उनकी कलम उगती थी। इसके अतिरिक्त क्योंकि वे गांधी से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, उनके मित्र हुआ करते थे। युग चरण इनकी एक रचना है, उसके बाद दीप से दीप जले, उसके बाद कैसा छंद बना देती है, ये बहुत शानदार रचना है। इसके अलावा बहुत प्रसिद्ध है जो हमेशा हम लोग के विश्वविद्यालय में चलता रहता है, कोई फंक्शन होता है, कोई प्रोग्राम होता है तो उसका जिक्र होता है, बैकग्राउंड के म्यूजिक में वो चलता रहता है, वो होता है पुष्प की अभिलाषा। तो ये माखनलाल थे, इनके बारे में छोटा सा, इनके किरदार के बारे में छोटा सा परिचय था। आप देख रहे थे newsview360.com। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। धन्यवाद।